जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको एक फॉर्म नजर आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें क्या है, यूजर नेम डालेगा और अपनी मल्टीपल मतलब हॉबीज को सिलेक्ट कर सकता है। लाइक अगर वो यहाँ से सबमिट करता है तो सबमिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने वैलिडेशन लगाया हुआ है। लाइक मान के चलिए मैं एक सबमिट करके दिखाता हूँ। लाइक आकाश नाम का एक यूजर है, जिसने क्या किया, उसे लाइक हॉकी पसंद है, ठीक है, उसने लाइक सिंगिंग पसंद कर लिया, ठीक है, और ये हमने सबमिट किया, ठीक है, तो ये अब हमारे डेटाबेस में जा चुका होगा। अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस में रिफ्रेश करता हूँ तो 7th नंबर पर देख पा रहे हो उसकी सिंगिंग हॉकिंग आ गया डेटा, ठीक है। अभी मैं शो पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका डेटा यहाँ पर भी शो हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर जो आज का जो मेन टास्क है वो बेसिकली ये है कि हमें इनकी वैल्यूज को अपडेट कराना हॉबीज की। देखिए लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। पर आज का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हर एक यूजर की जो डेटाबेस में हॉबीज सेट है, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसकी क्रिकेट सिंगिंग हॉकी की जगह जो भी यहाँ पर संदीप है, मैं चाहता हूँ कि इसकी क्रिकेट ही सिलेक्टेड हो, ठीक है, या नवीन की जो है ओनली ये दो सिलेक्ट करे। अब ये चाहता है कि मेरी नहीं, मेरी ये दो हटा दो और मेरी ये दो अपडेट कर दो, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैं फॉर्म पर लेकर के जाता हूँ। तो एडिट का कुछ फॉर्म होगा जो इस तरीके से दिखाई देगा, आई होप आप सब जानते हैं, तो हम इस तरीके का ही फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि सभी के आगे एक एडिट ऑप्शन आ जाए, ठीक है। तो मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर और जहां पर मेरी रिसोर्सेज के अंदर अपना व्यू रखा हुआ है वहां पर जाऊंगा फॉर्म के अंदर, ठीक है, सॉरी फॉर्म के अंदर नहीं है, शो के अंदर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग ऐड कर दूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक्शन लिख देता हूँ, एक्शन एंड देन एक्शन, और यहाँ पर एक फॉर लूप चल रहा है जिसमें हम क्या करेंगे एक टीडी ऐड कर देंगे, जिसमें हम लिखेंगे एंकर टैग बनाएंगे, ठीक है। एंकर टैग से क्या होगा, हम किसी अनदर पेज पर इजिली रिडायरेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। और मैंने इसका टेक्स्ट दे दिया एडिट, जिससे कि हम यूजर को क्या कर पाए, एडिट कर पाए। और मैंने HREF में यहाँ पर पास कर दिया कि कुछ इस तरीके का इसका राउट होने वाला है, स्लैश एडिट स्लैश, और यहाँ से क्या होगा, यूजर की करंट आईडी जाने वाली है, ठीक है। तो करंट आईडी हम भेज देंगे, लाइक यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है डॉलर यूजर आईडी, ठीक है, जो कि आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख रखा होगा तो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने देख पा रहा हूँ यहाँ पर आईडी है, यहाँ पर भी मैंने आईडी से एडिट करवा दिया, ठीक है, मतलब आईडी जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो अभी आपको सभी के सामने दिखाई दे रहा है एडिट एडिट ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक राउट सेट करना है और हमें सबसे पहले तो अपना व्यू सेटअप करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ web.php में जाकर के। यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर एक राउट बनाऊंगा गेट टाइप का, ठीक है, गेट ही बना लो, चाहे आप पोस्ट बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं गेट बनाओगे क्योंकि गेट तो आप इसलिए बना रहे हो ना क्योंकि आप एंकर टैग का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो पोस्ट तो आप तब यूज करोगे जब आपकी मेथड ही पोस्ट हो, तो हम तो गेट यूज कर रहे हैं, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्लैश एडिट, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे करेंगे आईडी, यहाँ से एक आ रही होगी लाइक कुछ इस तरीके का यूआरएल बनेगा, लाइक मैं किसी पर क्लिक कर रहा हूँ तो एडिट एंड देन उसकी आईडी आ रही है, ठीक है। तो हमने उसकी एडिट लिया एंड देन उसकी आईडी ली और हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर को पास कर देंगे, लाइक मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया, क्लास को मैंने यहाँ से पास किया एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसका ले लेता हूँ एडिट यूजर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस मेथड को हमें क्रिएट करना होगा अपने कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड देन यूजर कंट्रोलर। जैसा कि आप जानते हो हमने इतना कोड तो ऑलरेडी किया हुआ है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैंने एडिट यूजर बनाया और जिसमें क्या हो रहा होगा, आईडी आ रही होगी आपकी, जो कि आपके कहाँ से आ रही है, क्वेरी पैरामीटर्स, ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पर आईडी को पास कर लिया, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, ये जो आईडी आ रही है उससे रिलेटेड मेरे को यूजर को फाइंड आउट करना होगा। तो मैं बोलूंगा यूजर मॉडल से यूजर कॉलन कॉलन वेयर एंड देन मेरा जो कॉलम नेम है वो आईडी है और उसकी आईडी ये है एंड देन उसको मेरे को क्या करो गेट करके दे दो, ठीक है। गेट कर लिया और मैं यहाँ से क्या करूंगा, उसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ डॉलर यूजर नाम के में, और ये मैंने गेट करके रख लिया है। और फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक रिटर्न करूंगा व्यू, ठीक है। अब मेरा व्यू बना नहीं है फिलहाल, में अभी हम एक एडिट नाम का व्यू बनाएंगे जो कि अभी मैंने नेम वैसे ही पास कर दिया, ठीक है। मैं कॉम्पैक्ट करके डेटा को यहाँ पर भेज देता हूँ जिसमें मैंने यूजर को पास करके भेज दिया, ठीक है। अभी देखिए जो फॉर्म आपका बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा, स्लैश फॉर्म करके जाता हूँ, इस तरीके का बनेगा। तो क्यों ना मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैं चलता हूँ अपने रिसोर्सेज के अंदर और फॉर्म के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरा फॉर्म है पूरा, जिसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पर फुल वैलिडेटेड लगा हुआ है, मतलब एरर्स वगैरह हैंडलिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, edit.plate.php, ठीक है, कुछ इस तरीके की फाइल बनाएंगे हम, जिसमें मैंने पूरा फॉर्म डाल दिया, ठीक है। अभी मैं एक बार ऑप्टिमाइज करूंगा अपना प्रोजेक्ट एंड देन सर्व करूंगा मैं यहाँ से, और अभी मैं यहाँ पर हिट करता हूँ, ठीक है। तो
तो अभी देख पा रहे हो फॉर्म सेम टू सेम आ रहा है, पर हमें तो वो वैल्यूज चाहिए ना, जो कि लाइक मैं यहाँ पर जाऊँ शो पर, लाइक मैंने 4 नंबर के पे क्लिक किया लाइक म्यूजिक वाले पर, ठीक है, तो मेरे को इसी से रिलेटेड डेटा यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हो मैंने कंट्रोलर से तो ऑलरेडी डेटा सेंड किया हुआ है अपने व्यू पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो यूजर्स, तो यहाँ पर मैं यूजर्स क्यों ले रहा हूँ, यूजर लूंगा ना, सॉरी गाइस, मैंने यूजर्स तो उस वाले में ना, मैंने ये वाला देखना ना मेरे को, तो ये वाला मैथड, ठीक है, जिसमें यूजर आ रहा है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर्म को हटा देते हैं, यहाँ पर आएंगे हम, सबसे पहले तो नेम शो करा देते हैं, तो हम बोलेंगे वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने बोला कि भाई आप अपना डॉलर यूजर में से जो 0 है, ठीक है, उसकी क्या करो वैल्यू नेम जो है, ठीक है, कॉलम नेम जो है, जो कि यहाँ पर आपको डेटाबेस में दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको शो करा दूंगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर सन्नी आ रहा है, ठीक है, और 4 नंबर का यूजर भी सन्नी है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये तो चेक आना चाहिए ना, ये क्यों नहीं चेक आ रहा है, ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर चेक करना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस लगानी होंगी। सबसे पहले तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर डेटाबेस में आपकी कैसे स्टोर्ड है यहाँ पर डेटा, जेसन एनकोडेड, ठीक है, तो हमें उसे यहाँ पर करना होगा जेसन डिकोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऊपर क्या कर लेता हूँ, सबसे टॉप पर एट द रेट PHP एंड देन एट द रेट एंड PHP, ठीक है, मैं PHP का यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्या करूंगा सिंपल डिकोड करूंगा डेटा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा जेसन डिकोड, और मेरा जो डॉलर यूजर नाम के 0 नाम के एरे में जो हॉबीज हैं उनको क्या कर दो, डिकोड कर दो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ जिसका नाम है हॉबीज, ठीक है। तो ये अब मेरा एरे में कन्वर्ट हो चुका है, अगर आप यहाँ पर इसे प्रिंट आर करके देख सकते हो, प्रिंट आर, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट आर किया, और मैं यहाँ पर जो है शो करके देखूंगा, तो देख सकते हो एरे म्यूजिक आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आ रहा है लाइक मैं अगर बैक जाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं किसी के सिंग इस पे जाता हूँ कपिल वाले पर, ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो उसका क्रिकेट एंड म्यूजिक आ रहा है, तो ये सिलेक्टेड होने चाहिए, ये कैसे सिलेक्टेड होंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं प्रिंट आर को हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं आऊंगा, देखिए चेक बॉक्सेस ये तो जरूरी नहीं है कि आपके मतलब बहुत सारे होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने ऑप्शन होंगे, 6, ठीक है, 6 ऑप्शंस हो सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा सभी ऑप्शंस के पास जाऊंगा और मैं उनसे बोलूंगा कि भाई अगर यहाँ पर जैसा कि आप जानते होंगे एरे के पास एक मेथड होता है इन एरे, ठीक है, जो कि एरे का ही मेथड होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन एरे को यूज करेंगे, जिसमें हम क्या चेक करने वाले हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू है इसकी, देख पा रहे हो क्रिकेट वैल्यू है, जो कि फॉर्म सबमिट होगा तो क्रिकेट वैल्यू जाएगी, और हमने यहाँ पर क्या किया इन एरे में क्रिकेट पास किया, अगर ये है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे किस एरे में है ये हमें यहाँ पर बताना होगा। ये क्या करता है, बेसिकली 2 पैरामीटर्स ले रहा होता है, सॉरी 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा होता है, फर्स्ट वन इज आपकी वैल्यू एंड देन सेकंड वन इज आपका एरे, ठीक है, तो एरे क्या है आपका डॉलर हॉबीज जो कि हमने डिकोड किया हुआ है, जो कि मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि अगर आपका जो क्रिकेट नाम की जो वैल्यू है वो अगर इसमें मिलती है तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं डॉलर हॉबीज एंड देन क्वेश्चन मार्क, और अगर ये ट्रू होता है तो हम इसे चेक्ड कर देंगे चेक्ड, ठीक है, एल्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अभी रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो अभी यहाँ पर क्रिकेट आ रहा है, कपिल का क्रिकेट था, ठीक है, आई थिंक कपिल का क्रिकेट था, ठीक है, अभी क्रिकेट इसमें भी है, क्रिकेट संदीप वाले में भी है, लाइक मैं यहाँ पर चेक करूंगा क्रिकेट आ रहा है चेक्ड, ठीक है। सेम मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ इसको, अब यहाँ पर म्यूजिक के साथ करूंगा, तो बस मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा इसकी जो है म्यूजिक वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड द नेक्स्ट वन इज आपकी सिंगिंग है, तो सिंगिंग सिंगिंग, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज आपकी क्या है हॉबी हॉकी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है, तो देख सकते हो संदीप की क्रिकेट सिंगिंग एंड हॉकी थी, लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ क्रिकेट सिंगिंग हॉकी थी, अगर मैं बात करूँ आकाश की सिंगिंग हॉकी, ठीक है, तो सिंगिंग हॉकी, अब मान के चलिए मैं इसकी सारी की सारी वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्रिकेट म्यूजिक सिंगिंग हॉकी इसकी सारी थी, ठीक है, तो इतना काम तो आपने कर लिया कि हाँ जी हमने यहाँ पर अपडेट के लिए हमने यहाँ पर वैल्यूज को शो करा दिया। अभी हमें लाइक मान के चलिए यूजर चाहता है कि जो नवीन नाम का जो यूजर है वो चाहता है कि मैं सिंगिंग और हॉकी को हटाना चाहता हूँ, ठीक है, या म्यूजिक एंड हॉकी को हटा करके मैं अपनी वैल्यूज को अपडेट करना चाहता हूँ डेटाबेस में, ठीक है, तो वो हम कराने वाले हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक इनपुट टाइप हिडन बना लीजिए, जैसे कि हमें पता है कि हम यहाँ से पोस्ट मेथड को डालने वाले हैं, तो हम यहाँ पर एक इनपुट टाइप हिडन बना लेते हैं, हिडन, और यहाँ पर CSRF टोकन तो हमने पास किया ही हुआ है, वैल्यू में हम यहाँ पर क्या करेंगे क्या पास कर देंगे करंट यूजर की आईडी, ठीक है, तो करंट यूजर की आईडी तो हम यहाँ से बोलेंगे डॉलर यूजर 0 एंड देन आईडी, ठीक है,
और यहाँ पर इसका नेम तो लेना कंपलसरी है, ठीक है, जिससे कि हम वैलिडेट कर पाएंगे अपने बैकएंड मतलब कंट्रोलर के पास, ठीक है। तो मैंने इसकी आईडी दे दी नेम, ठीक है, सॉरी नेम मैंने आईडी दे दी। अब यहाँ पर जो इसका एक्शन है वो हम रखेंगे, लाइक मैंने एक्शन रख दिया स्लैश अपडेट पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे। मैंने जो एक्शन पास कराया स्लैश अपडेट पर पास किया, अब मैं इसका राउट क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, और ये मेरा जाएगा स्लैश अपडेट पर, और यहाँ पर मैं यूजर कंट्रोलर को यूज करूंगा, यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, और मैं यहाँ पर इसका एक मेथड कॉल करूंगा अपडेट यूजर, ठीक है, मैं इतना काम कर दूंगा। और यहाँ से मैंने इसे सेव कर दिया, तो ये वाला जो मेथड है वो मैं बनाने वाला हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो सिंपल है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर हम अपडेट यूजर नाम का मेथड क्रिएट कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा होगा, बेसिकली यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट ले रहा होगा, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट में आपकी आईडी और उस जितना भी डेटा होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट में आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर कॉलन कॉलन फाइंड, जो कि बेसिकली आईडी आ रही होगी हिडन में, तो हम बोलेंगे डॉलर रिक्वेस्ट से आईडी निकाल लो हमारी, तो उसके बेस पर हमने फाइंड करना है यूजर, और हम यहाँ पर डॉलर यूजर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर यूजर नेम आ रहा होगा उसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें गाइस यहाँ पर ये भी चेक करना है कि वैलिडेशन भी ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर पता होगा हमने लास्ट लेक्चर में इसमें बनाया हुआ था, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि टाइम की बचत हो, ठीक है। तो आई होप आप जान चुके हैं नेम एंड हॉबी जो कि आपके फॉर्म से आ रही है, जो कि नेम इसका नेम है और हॉबीज ये है, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे, ठीक है। एंड देन मैंने नेम को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, तो मैंने बोला डॉलर रिक्वेस्ट जो नेम आ रहा है वो नेम आप यहाँ पर अपडेट कर दो, सेम ये चीज मैंने कॉपी पेस्ट किया। नेक्स्ट वन इज कॉलम नेम जो है आपका डेटाबेस में वो है हॉबीज, ठीक है। तो मैंने बोला हॉबीज जो आ रही हैं उनको क्या करो, डॉलर रिक्वेस्ट से जो भी हॉबी आ रही हो उसको क्या करो, जेसन में एनकोड कर दो, ठीक है। तो हॉबी को हम करेंगे अब यहाँ पर जेसन एनकोड, ठीक है, ये मैंने कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हम लास्ट में करेंगे डॉलर यूजर को सेव, और यहाँ पर हम इसे रिटर्न कर देंगे सो वाले टैब पर, ठीक है, रिटर्न रिडायरेक्ट, और हम इसे भेज देंगे सो पर, ठीक है, जैसे कि हमें पता चल जाए हाँ अपडेट हो चुका है डेटा, ठीक है। तो अभी बारी है इसे चेक करने की, तो हम एक बार ऑप्टिमाइज करेंगे एंड देन सर्व करूंगा, आई होप सब कुछ ठीक चलेगा। तो अभी देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, इसकी मतलब 4 हॉबी सिलेक्टेड थी, लाइक ये चाहता है म्यूजिक को हटाऊं और हॉकी को हटाऊं। सबमिट किया मैंने, तो सबमिट कर दिया, देख सकते हो गाइस यहाँ पर क्या आता है इसका, क्रिकेट सिंगिंग हॉकी, आई थिंक मैंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया था शायद, हाँ यहाँ पर अपडेट नहीं किया, तो दोबारा क्लिक हो गया था शायद, दो बार क्लिक हो गया था, देख सकते हो अभी यहाँ से हटा। अभी लाइक मान लीजिए चलिए मैं किसी और यूजर को अपडेट करता हूँ, लाइक आकाश सनी नाम का जो है उसमें ऐड करते हैं हम, ठीक है, लाइक इसे हॉकी भी पसंद है और इसे क्रिकेट भी पसंद है, ठीक है। तो हमने यहाँ से अपडेट किया और ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अनअपडेट कर दूं, लाइक मैं चाहता हूँ सिंगिंग हटा देता हूँ, क्रिकेट हटा देता हूँ, इसकी हॉकी रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके पास हॉकी जा चुकी है, ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। अभी देखिए लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ से सबमिट किया, तो अभी ये वैलिडेटेड है, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पर अभी जब जैसे ही फॉर्म रिफ्रेश हुआ तो उसने ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लिया है, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे। फिर मैंने यहाँ से क्या किया, सिंगिंग सॉरी मान के चलिए म्यूजिक सिलेक्ट कर लिया, अपडेट किया, तो सन्नी को म्यूजिक एंड हॉकी जा चुका है, ठीक है, अपडेट हो चुका है। और डेटा बेसिस में अभी आपका डेटा जो है प्रॉपरली अपडेट हो रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पर। अभी लाइक मान के चलिए हम किसी को 4 वैल्यू सिलेक्ट कर देते हैं, लाइक मान के चलिए 4 हॉबीज, ठीक है, आकाश की हम कर देते हैं, तो फर्स्ट वन इज दिस एंड देन सेकंड वन इज दिस, ठीक है, 4 सिलेक्टेड की, अपडेट किया, तो इसकी 4 वैल्यूज जो है अपडेटेड हो चुकी हैं। अगर हम डेटाबेस में देखेंगे तो डेटाबेस में भी इसकी 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये था लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक करें शेयर करें एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू गाइस।